सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो सबके सब। टाइटल एंड थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा इस वीडियो के अंदर हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टेड विद डैमेज के यहाँ पे काफी बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी कि भाई आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब किस प्रकार से हो रहा होगा एंड ये मेल कब तक आएगा। बेसिकली ये वीडियो है आपके मेल को बताने के लिए कि कब तक आ रहा होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन या नहीं होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद डैमेज का, और प्लस में कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानने वाले हैं जो कि काफी बच्चों का प्रॉब्लम था मोस्टली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एंड वो होगा कि नहीं होगा ऑफलाइन बेसिकली। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। देखो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होना कंपलसरी है। ठीक है, ये तो होगा ही होगा क्योंकि आपका ऑनलाइन ही हुआ है, अभी डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन वो ऑनलाइन हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर्स के सभी ईयर्स को जब से DSU आया या जब से PTE आया आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ DSU यूनिवर्सिटी ही नहीं बेसिकली कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन लेती है तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन तो होना ही होना है आपसे का। ठीक है, रही बात इसका मेल का कि कब तक आएगा मेल आपसे का, क्योंकि काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम था कि मेल कब तक आएगा। ठीक है, तो यार यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आपसे का जो मेल है वो नेक्स्ट वीक तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर देखो 21 तारीख से आपसे का क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और उससे पहले ही आपसे का यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन, जैसे कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो गया और प्लस में आप सभी का एक चीज और होती है आप सभी का यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। अगर ये बाय चांस ऑनलाइन हुआ तब वेल एंड गुड, अगर बाय चांस ऑनलाइन नहीं हुआ, ठीक है, बाय चांस अगर ऑनलाइन नहीं हुआ ऑफलाइन हुआ, फिर भी बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उससे पहले आप सभी को एक ईमेल आईडी मिलती है DSU की तरफ से। ठीक है, जिसमें कि आपका नाम होगा स्टार्टिंग का, जैसे क्या, ठीक है, जैसे क्या मेरा नाम सचिन सागर है। ठीक है, तो SS होगा और यहाँ पे आप मेरा कुछ कोड लिखा होगा, कुछ नंबर्स होंगे और @DSU आपका DSU.ac.in, इस प्रकार का आपके पास कुछ ईमेल आईडी मिलता है, प्लस में आपको एक पासवर्ड भी मिलता है जो कि आपको ईमेल जो आपका जीमेल आईडी है उस पे आपको लॉगिन करना पड़ता है। और इस आगे जब DSU यूनिवर्सिटी में जब भी कुछ भी होगा तो आपका इसी ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली ये वाला जो मेल है उस वो भी मेल आपको अभी आना बाकी है। ये जो मेल है वो किसी को नहीं आया और ये जो मेल है ये लास्ट ईयर जो आया था ये आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम से रिलेटेड 2 से 3 दिन पहले आया था, ज्यादा नहीं 2 से 3 दिन पहले आया था। एंड ये जो आपका ईमेल है ये भी आना बाकी है और ऑफ अभी जो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी का मेल भी आना जरूरी है। तो टेंशन मत करना, ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों चीजें आप सभी को आ जाएगी। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो यहीं पे इसी प्रकार से स्टार्ट होगा एंड नेक्स्ट वीक तक आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल है वो आ जाएगा, अगर बाय चांस मेल नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दो आपका सिचुएशन क्रिएट होती है। सबसे पहले जो सिचुएशन है आपका मेल आ गया तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट वीक तक तो मेल आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 21 तारीख से पहले आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम से पहले सब चीज निपटा देंगे। ठीक है, मेल आ गया तो वेल एंड गुड, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। और प्लस में सेकंड जो सिनेरियो बनता है आप सभी का, यहाँ पे अगर बाय चांस मेल नहीं आता है, ठीक है, बाय चांस अगर मेल नहीं आता है तो आपका उस केस में आपका जब कॉलेज ओपन होगा, जब कॉलेज आप सभी का ओपन हो रहा होगा उस केस में यहाँ पे जब कॉलेज ओपन हो जाएगा उसका फर्स्ट या तो सेकंड वीक तक आप सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उतना टेंशन मत करना, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको लेना ही है। ठीक है, किसी भी कारणवश कैसे भी ले ले वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बाय चांस अगर अभी तक मेल नहीं भी आता तो टेंशन मुक्त हो जा, यहाँ पे बेसिकली ये कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप सभी को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितना दिया था आप सभी को वहीं पर वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लिए जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें थे, क्योंकि जो कि बच्चे को प्रॉब्लम थी, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जो देखो ये वाला जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आप सभी का, यहाँ पे काफी बच्चे बोल रहे थे कि अलग से मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा दिस स्टार्ट करके, नहीं यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी को जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एनेक्स्टर लगता है। ठीक है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ एनेक्स्टर लगता है और इसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और यहाँ पे आप सभी का कोई नियरेस्ट MBBS डॉक्टर के पास जाना है या तो फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हो जिसके पास MBBS की डिग्री है, वो यहाँ पे ये सारी चीज फॉर्म भर देगा, या तो आप यहाँ पे बस नाम लिख लेना, बाकी ये सारी जो चीज है ये डॉक्टर का काम है। यहाँ पे प्लेस लिख लेना न्यू दिल्ली और डेट डाल लेना जिस दिन आपको डॉक्टर से वेरिफिकेशन करवाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे डॉक्टर का सिग्नेचर और उनका स्टैंप आ जाएगा, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं आपको डॉक्यूमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट में और कुछ भी जमा करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कश्मीर
माइग्रेंट्स वाले सिर्फ और सिर्फ ये भरेंगे और यहाँ पे बाकी सारी जो चीज़ें हैं। एक और चीज़ है यार, काफ़ी बच्चों का यहाँ पे डाउट था कि भैया हमारा जो यहाँ पे बाकी एक चीज़ है, जैसे आप सभी का जो एक डॉक्यूमेंट है आपका ऑफलाइन जो सॉरी ऑनलाइन का जो फीस पेमेंट का स्लिप है, ठीक है, फीस रिसिप्ट जो है वो चीज़, तो फीस रिसिप्ट का यार ये वाला जो चीज़ लगेगा, देखो कुछ भी इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है, आपके पास जो प्रूफ है पेमेंट स्लिप के लिए 8,000 रुपये वाली जो फीस लगी थी उसका पेमेंट का स्लिप लगेगा, याद रखना है, ठीक है। या तो जिस बच्चे को मेल आया है वो वाला लग जाएगा, या तो काफी बच्चों को दो बार मेल आया होगा, एक तो आपका रिजर्व पे के थ्रू आया होगा मतलब कि यू कैन अप्लाई की तरफ से, और एक ब्लू ब्लू कलर का जो आपका ईमेल आएगा वो, और एक DSU की तरफ से भी आता है मेल, तो वो दोनों को निकलवा के ले जाना, या तो फिर जिस बच्चे को कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है तो आपका ऑनलाइन यहाँ पे जो डैशबोर्ड में लॉग इन करना, और डैशबोर्ड में लॉग इन करने के बाद जो आपका पेमेंट स्लिप वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन शॉट लेके वो भी आपको प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है। जो भी होगा इन तीन डॉक्यूमेंट्स में से ही लिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये जो डॉक्यूमेंट है मतलब कि जो DSU की तरफ से मेल आया है जिसमें आपका यूजर आईडी नंबर, आपका ट्रांजैक्शन नंबर, पेमेंट कब हुई थी, जिस टाइप करके जो लिखा हुआ है वो चीज का पेमेंट का बेसिक ले लिया जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, बस इतना ही आप सभी को मेन डाउट था जो कि मुझे बतानी थी। रही बात सिलेबस की, तो कल से आप सभी का सिलेबस आ रहा होगा, इन डेप्थ जानकारी होगी यार उस सिलेबस में, आपका चैप्टर वाइज जोन जोन सा सिलेबस दूंगा, आपकी आपका मैथमेटिक्स में इतना वाला सब्जेक्ट आ रहा है, ये सब्जेक्ट आ रहा है, आपकी ये वाला जो टॉपिक है ये यहां से पढ़ोगे, ठीक है। वो लिंक भी उसमें में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी में जो PDF है उसी में रहेगा, ठीक है। तो इन डेप्थ आपको सिलेबस मिल रहा होगा। इस फिलहाल क्या इस वीडियो को एंड करते हैं, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ जिससे कि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार के साथ। जय हिंद।